नमस्कार दोस्तों स्टडी आई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंट एंड एकोलॉजी के सेट फाइव के डिस्कशन को सेट फाइव यानी कि पांचवा भाग आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये यू पी के लिए एक क्रैश कोर्स तैयार किया गया है जिसमें हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं ठीक है मई 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं ऑल राइट right. इसका जो मेन मकसद है वो यूपीएससी 2020 है लेकिन ऐसा नहीं कि ये केवल इसी एग्जाम के लिए काम आ सकता है ये और भी कई सारे परीक्षाओं के लिए यूजफुल हो सकता है सो so, इसमें हम जो सब सारी की सारी वीडियोस आपके सामने लाई गई हैं इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट स्टडी आईक्यू के द्वारा बना दी गई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वहां पर जाके आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है अनिरुद्ध इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अनिरुद्ध सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है ये मेरी यूनिक आईडी है वहाँ पर जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑल राइट ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ये है मेरा ट्विटर हैंडल ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू स्टडी आई क्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर पर और इस ऐप के ऊपर मेरे ही द्वारा बनाया गया कोर्स अवेलेबल है यू पी एस सी पास्ट ईयर प्रिलिम्स डिस्कशन का जिसमें पिछले दस साल के सभी प्रिलिम्स के पेपर्स सब्जेक्ट वाइज कवर किए गए हैं जहाँ ऐसा आपको और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा तो so ये काफी यूनिक कोर्स है जो आप रेफर कर सकते हैं आपकी ही तैयारी के लिए ये फायदेमंद होगा राइट right, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को फ्लाई एश कैन बी यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कंक्रीट प्रोडक्शन एम्बैंकमेंट्स एज अ सब्सिट्यूट फॉर ब्रेक प्रोडक्शन ठीक है तो ये दो तीन ऑप्शन दी गई हैं। आपको सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर फिलहाल एक बार छोड़ रहा हूँ मैं पहले फ्लाई एश के टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा और आपको बताऊँगा कि फ्लाई एश का इस्तेमाल फ्लाई एश के एप्लीकेशन बेसिकली क्या क्या हैं सबसे पहले फ्लाई एश का जो टॉपिक था वो न्यूज़ में क्यों रहा बिकॉज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है एन जो कि दिल्ली में स्थित है इट हैज रिसेंटली डायरेक्टेड थर्मल पावर प्लांट्स टू टेक प्रॉम्प स्टेप्स टूवर्ड्स द साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश यानी कि आपको फ्लाई ऐश को जो डिस्पोज ऑफ करना है उसको एक साइंटिफिक तरीके से करना है बिकॉज उसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका था ठीक है तो यहाँ पर फ्लायाश के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं सबसे पहले इसका दूसरा नाम पल्वराइज फ्यूल ऐश भी इसे कहा जाता है ठीक है या फिर अकेला फ्यूल ऐश भी इसे कहा जाता है ये कोल कंबशन का प्रोडक्ट है यानी कि कोले को जलाने से थर्मल पावर प्लांट में कोले को जलाने से जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें से एक प्रोडक्ट फ्लाई ऐश भी होता है ठीक है इट इज कम्पोस्ट ऑफ पर्टिकुलेट्स विच आर ड्रिवन आउट ऑफ कोल फाइड बॉयलर्स टूगेदर फ्लू गैसेस ऑल फ्लाई ऐश इंक्लूड्स सब्सानशियल अमाउंट ऑफ सिलिकन डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड देखिए ध्यान देने वाली बात यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लाई ऐश के कॉन्सिक्वेंट्स क्या क्या होते हैं उसके अंदर क्या क्या जो कंपाउंड हैं वो होते हैं सबसे पहले तो इसमें एसआई ओ टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं और ये वही सारे कंपाउंड्स हैं जो आपको कोल के अंदर भी मिलते हैं ठीक है तो कोल को जलाने से ही जो फ्लाई ऐश मिल रही है कॉन्सिक्वेंट्स वही रहते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसमें ऐसा नहीं केवल यही चीज़ें होती हैं और भी कुछ माइनर कॉन्सिक्वेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि आर्सेनिक है बेरेलीम है बोरॉन कैडमियम क्रोमियम हैक्सावेलिन क्रोमियम हैक्सावेलिन क्रोमियम यानी कि क्रोमियम सिक्स प्लस को बोलते हैं कोबाल्ट लेड मैंगनीज मर्करी, मॉलिबडेनम सेलेनियम स्ट्रॉन्शियम थेलियम, विनेडियम अलॉन्ग विद वेरी स्मॉल कंसनट्रेशन ऑफ डॉक्सिन्स, डाइऑक्स इट ऑल्सो हैज सम अनबर्नड कार्बन ठीक है सवाल आपको कैसे आएगा कि फ्लायश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाईऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड सेकेंड ऑप्शन होगा इट डज नॉट कंटेन एनी अदर माइनर कॉन्सीटेंट लाइक आर्सनिक बेरेलीम बोरॉन तो आपको वहाँ पर ख्याल रखना है कि इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंट्स भी होते हैं और कुछ प्रमुख कॉन्सिक्वेंट्स होते हैं जैसे कि एस आई ओ टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है फ्लाई ऐश के कई सारे इस्तेमाल हैं कुल मिला के दस मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है इसमें और भी ज़्यादा इसके यूजेस हो सकते हैं सबसे पहले कंक्रीट प्रोडक्शन कंक्रीट यानी कि जो हम सीमेंट की बात करते हैं इसको उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और स्पेसिफिकली रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वहां पर यह काम आ सकता है ठीक है जिसके थ्रू पोर्टलैंड सीमेंट हम बना सकते हैं फ्लाई एश पेलेट्स कैन रिप्लेस नॉर्मल एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्सचर यह भी पॉसिबल है एम्बैंकमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चरल फिल्स एम्बैंकमेंट्स जो बनती हैं एम्बैंकमेंट्स जो है अक्सर जो है कोस्टल एरियाज में बहुत बनाई जाती हैं एम्बैंकमेंट्स समुद्री इल, इलाकों में स्पेशली बहुत बनाई जाती हैं तो वहां पर भी फ्लाई फ्लायश का इस्तेमाल हो सकता है सीमेंट क्लिंकर प्रोडक्शन एज अ अब्सिट्यूट मटीरियल फॉर क्ले वहाँ पर भी यूज़ हो सकता है सॉफ्ट सॉइल सॉफ्ट सॉइल में इस्तेमाल कैसे होगा अगर आप फ्लाई ऐश को यूज़ करेंगे एज अ फर्टिलाइजर ये कहा जाता है सॉफ्ट फ्लाई ऐश की वजह से मिट्टी की वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है रोड सब बेस कंस्ट्रक्शन रोड में जो आप सब बेस लगाते हैं वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं एज एग्रीगेट सब्सिट्यूट मटीरियल फॉर ब्रिक प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल यूजेज सॉयल अमेंडमेंट फर्टिलाइजर कैटल फीडर सॉइल स्टेबिलाइजेशन ठीक है लूज एप्लीकेशन ऑन रिवर्स टू मेल्ट आइस ठीक है जहाँ पर आपको न, रिवर को मेल्ट करना होता है बिकॉज आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प चाहिए तो वहाँ पर भी फ्लाइस यूज हो सकती है लूज एप्लीकेशन ऑन रोड्स एंड पार्किंग लॉट्स फॉर आइस कंट्रोल यानी कि इसके कई सारे इस्तेमाल हैं अमरीका में तो ये काफ़ी अच्छे स्तर पर इस्तेमाल हो भी रहा है भारत में इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो अभी उतने बड़े स्तर पर नहीं हो रही बिकॉज तकनीकी स्तर पर भारत थोड़ा पीछे है ठीक है लेकिन इसको लेकर काफ़ी सारे जो है नीति उपाय बताए गए हैं नीतिगत उपाय जो बताए गए हैं वो कई कई मंत्रालयों ने बताए हैं सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बताया है कि हम फ्लाई ऐश जनरेशन को मॉनिटर करेंगे ठीक है और उसकी यूटिलाइजेशन का भी ध्यान रखेंगे उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने भी कहा है और इन्होंने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए हैं पहले 1999 में दिए फिर 2003 में 2009 में और 2016 में ये वाला काफ़ी अहम माना जाता है 2016 वाला जो इन्होंने निर्देश दिया था इसके चलते महाराष्ट्र भारत में पहला वो राज्य बना जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को अनाउंस किया 2016 में साथ ही में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई है फॉर फ्लाई ऐश मैनेजमेंट जिसका नाम है एश ट्रैक ठीक है यहाँ पर सवाल कैसे आएगा देखिए मैं इसको इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि वॉच विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैव टेकन आउट मेजर्स फॉर दी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन ठीक है तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट दोनों ही सही होंगे दोनों का ही कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फ्लाई ऐश को इस्तेमाल करने के लिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है महाराष्ट्र वाला दोबारा भी इसके आने के चांसेज हैं ठीक है आई होप क्लियर है अब हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं फ्लाई ऐश को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉन्क्रीट प्रोडक्शन में एम्बैंकमेंट्स में ब्रिक प्रोडक्शन में तीनों ही सही हैं ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री विल बी दी करेक्ट आंसर ऑल्सो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया शुरुआत में कि इस पूरी की पूरी वीडियो में हम जो क्वेश्चन और टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े हुए हैं ठीक है उसके साथ जुड़े हुए जो भी विषय हैं जो भी मामले हैं हम उनको यहां पे कवर करेंगे पिछली वीडियो में भी हमने यही कवर किया था सेट फोर में लेकिन कुछ विषय बच गए थे जो कि हम यहां पे कवर करेंगे इनको यहां फिनिश करेंगे अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक ऑफ स्टबल बर्निंग स्टबल बर्निंग का जो टॉपिक है उसके लिए ये वाला जो एक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट ठीक है सब सॉइल वाटर एक तरीके से कह सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भू की बात हो रही है पंजाब ने भू संरक्षण के लिए दो में एक अधिनियम निकाला था और इस अधिनियम में इन्होंने हाल ही में एक चेंज किया था ठीक है वो चेंज क्या था ये कहा गया था किसानों को कि आप जो है पैडी का ट्रांसप्लांटेशन जो करते हैं वो जून 10 के बाद करेंगे ठीक है यानी कि आप जून 10 के पहले पैड़ी का ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते और मई 10 के पहले पैड़ी को आप सो नहीं कर सकते पैड़ी को आप बीज नहीं सकते यानी कि चावल की आप बिजाई भी नहीं कर सकते और ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं कर सकते मई दस के पहले और जून दस के पहले आप ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं कर सकते ठीक है ऐसा क्यों कहा गया बिकॉज़ यहाँ पर क्या हो रहा था कि यदि किसान मई दस के पहले इसकी बिजाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं उसकी बिजाई के लिए ठीक है इसके चलते क्या हो रहा था कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था पंजाब सरकार ने कहा कि आपको मई दस के बाद इसको करना है ठीक है लेकिन इससे क्या हुआ क्योंकि इसमें थोड़ी सी देरी हो गई बिजाई करने में तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कटाई करने में है वो भी देरी होगी तो हार्वेस्टिंग सीजन भी थोड़ा सा आगे चला गया टू एंड अक्टूबर एंड अर्ली नवम्बर ठीक है ये समय होता है दिवाली का और जब हार्वेस्टिंग सीजन आगे चला गया तो जो किसान भाई हैं यहाँ पर उन्होंने क्या किया उन्होंने स्टबल बर्निंग करनी स्टार्ट कर दी स्टबल बर्निंग जिसको हम बोलते हैं स्टबल के कई सारे नाम हैं स्टबल को घूटी भी कहा जाता है कुछ कुछ इलाकों में स्टबल को पुराली भी कहा जाता है ठीक है ये जो है किसान इसलिए करते हैं बिकॉज उनके पास और कोई चारा नहीं है यहाँ पर स्टबल बर्निंग की वजह से जो सारी की सारी हवा है नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जब चलती हैं वो दिल्ली की तरफ चलती हैं जिसकी वजह से दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है स्पेशली यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन भी हो जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से फॉग बनती है प्लस पंजाब हरियाणा की साइड से स्मोक आता है इसकी वजह से स्मॉग यहाँ पे बन जाता है तो वहाँ की जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है ठीक है जिसको जिसमें सांस लेना काफ़ी तकलीफ हो सकती है स्पेशली बूढ़े लोगों को और बच्चों को जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम आ सकती है तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट का जो एक्ट है इसकी वजह से यह प्रॉब्लम हो रही है क्लियर अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग की स्टबल बर्निंग बेसिकली इट रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड अलॉन्ग विथ पर्टिकुलर मैटर स्टबल बर्निंग में काफ़ी सारी गैसेस निकलती हैं सी ओ ओ टू एन ओ टू ठीक है अलॉन्ग विद पर्टिकुलर मैटर यानी कि पी एम टू पॉइंट फाइव पी एम टेन इनको हम फॉर्मली एरोसोल्स भी कह सकते हैं ठीक है ये सवाल ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है स्टबल बर्निंग से क्या क्या गैसेज बाहर निकलती हैं स्टबल बर्निंग के ऐसा नहीं कि इसका कोई फायदा नहीं है इसके फायदे भी हैं लेकिन इसका ये नुकसान है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ फायदे क्या हैं इससे क्या है आपकी जो खेत हैं वो क्विकली क्लियर हो जाते हैं एंड इट इज द चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव इससे ज़्यादा सस्ता कोई भी तरीका नहीं अपने खेतों को साफ़ करने का ये वहाँ के वीड्स को मारता है वहाँ के हर्ब्स को भी मारता है किल्स द स्लग्स एंड अदर पेस्ट इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द नाइट्रोजन टाइप तो काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और वो क्या क्या हैं यहाँ पर क्या क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स दिए हैं क्रॉप ट्रबल बर्निंग से लड़ने के लिए सबसे पहले एनजीटी ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है बर्निंग इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान यूपी हरियाणा पंजाब और इसके बाद इन सभी स्टेट्स ने अपने अपने कानून भी पास कर दिए हैं लेकिन उन कानूनों को लागू नहीं किया जाता ड्यू टू वेरियस रीजनस ठीक है इसके अलावा कई सारे केंद्रीय सरकार के द्वारा पास किए गए अधिनियम हैं जैसे कि एयर एक्ट है ठीक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है नेशनल ट्राइब्यूनल एक्ट है फिर नेशनल एनवायरमेंट अपेलेट अथॉरिटी एक्ट भी है जिनके अंदर क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग को लेकर कुछ ना कुछ प्रावधान दिए गए हैं और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू भी निकाली थी 2014 में जिसमें ये बताया गया था कि हम क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी आई थी एक प्रमोशन ऑफ़ एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन फॉर इन सी टू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा यूपी एंड एन सी टी ऑफ डेली फॉर द पीरियड फ्रॉम टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन टू टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी ये भी लॉन्च की गई है तो कई सारे पॉलिसी मेजर्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं लेकिन बात वही है इसकी इंप्लीमेंटेशन उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती जिसका सारा का सारा प्रभाव जो है फिलहाल दिल्ली एन सी आर पर पड़ रहा है ठीक है तो ज, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब यहाँ पर सवाल आपको कैसे आएगा सवाल आपको ऐसे आएगा कि कौन से कौन से एक्ट्स हैं जो कि क्रॉप स्टबल बर्निंग या फिर घूंटी जलाने के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको ख्याल रखना है ये सभी एक्ट्स जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं क्लियर यहाँ पर एक साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है टॉरीफ फैक्शन का टॉरीफ फैक्शन क्या है भारत जो है वो एक तरीके का विकल्प ढूंढ रहा है कि हम स्टबल बर्निंग को अगर नहीं जलाते तो और क्या कर सकते हैं ये एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है यानी कि स्वीडन के देश से लाई गई एक तकनीक है जो कि राइस के स्टबल को बायोकोल में कन्वर्ट कर देती है ठीक है ये अभी हम केवल इसमें झांक रहे हैं अभी इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं किया गया है लेकिन सवाल आने के चांसेस से इसलिए मैंने इंक्लूड किया टॉरीफैक्शन ठीक है द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हीटिंग अप स्ट्रॉ ग्रास सॉ मिल रेसिड्यू एंड वुड बायोमास टू 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस ठीक है इसमें क्या हो रहा है कि जो स्ट्रॉ है यानी कि पुराली है जो घास है जो रेसिड्यू है जो बच गया है इसको आप इतने टेम्परेचर पर जलाएंगे इससे क्या होगा जो आपका बायोमास है वो कोल लाइक पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा इन पैलेट्स को आप आगे जाके कोल प्लांट में ही यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इन स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है बेसिकली इससे क्या होगा कि धुआं नहीं जनरेट होगा जो कि फ़िलहाल हम हवा में छोड़ रहे हैं ठीक है जिसकी वजह से डेली एन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक टेक्निक है टोरीफैक्शन की ये एक विकल्प है घूंटी जलाने को लेकर नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है पिछले एक दो साल से सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है माइक्रो प्लास्टिक क्या है इन सभी की चर्चा हम यहां पर करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक्स बेसिकली दे आर डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स विच आर मेंट फॉर यूज़ एंड थ्रो ठीक है ये यूज़ एंड थ्रो के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा डिस्पोजेबल प्लेट के बारे में आप कहीं जाते हैं डिस्पोजेबल ग्लास होता है डिस्पोजेबल प्लेट होता है ये सभी चीज़ें जो है स्टायरोफॉर्म से बनती हैं स्टरोफॉम जो है वो एक तरीके का सिंगल यूज़ प्लास्टिक है आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथीन बैग्स हैं आजकल कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वैसे काफ़ी प्रतिबंध लगाए हुए थे लेकिन इस वायरस के चलते सरकार उसको लागू नहीं कर पा रही फिर से आपने देखा होगा वो काले रंग के पॉलिथीन बैग्स फिर से मार्केट में आ चुके हैं राइट प्लास्टिक की ड्रिंकिंग बॉटल्स हैं जो कि डिस्पोजल जिसको हम डिस्पोजेबल बॉटल बोलते हैं प्लास्टिक बॉटल के कैप्स हैं वो भी प्लास्टिक से ही बनते हैं फूड रैपर्स हैं प्लास्टिक सेशेज हैं प्लास्टिक रैपर्स हैं स्ट्रॉज स्ट्रॉज के ऊपर भी बैन लगा चुकी है गवर्नमेंट स्टरर्स हैं स्टायरोफॉर्म कप्स और प्लेट्स हैं ये सभी सिंगल यूज प्लास्टिक की परिभाषा के अंडर आते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी तक इसकी कोई कानूनन परिभाषा नहीं दी गई है भारत अभी इसकी कानूनन परिभाषा देने के प्रोसेस में है अभी तक दिया नहीं है ठीक है हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक्स को अपने इंडिया से ख़त्म करना है बाय 2022, ठीक है इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नीतियां जो हैं जारी की हैं क्या क्या यहाँ पे कदम लिए हैं सबसे पहले तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2019 में ही इसके ऊपर सवाल आया था कि इसका क्या मतलब होता है ये जो स्कीम है ये वैसे तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 में लाई गई थी लेकिन इसकी प्रॉपर जो हम कह सकते हैं डेफिनेशन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के रूल्स में दी गई है ठीक है जिसमें क्या होता है प्रोड्यूसर हो इंपोर्टर हो ब्रांड ओनर हो इनके ऊपर जो है प्रमुख तौर से जिम्मेदारी आती है फॉर कलेक्शन ऑफ यूज मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक सेशेज और पाउचेज और पैकेजिंग ठीक है कहने का मतलब इसमें यूज़र के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उत्पादक के ऊपर इंपोर्टर के ऊपर और ब्रांड ओनर के ऊपर जो इंसान यूज़ कर रहा है उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी फॉर द यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स इसके बाद और कई सारे यहाँ पे अभियान चलाए गए स्वच्छता ही सेवा इंडिया प्लॉग रन To propagate the idea of shunning plastics, the Fit India प्लॉग has been launched. Plogging involves picking up litter while jogging. वाइल्ड जॉगिंग यानी कि जब आप जॉगिंग कर रहे हैं तो प्लास्टिक को उठाएंगे ठीक है ये बेसिकली प्लॉग वर्ड वहीं से आया है जॉगिंग करते करते समय आप प्लास्टिक को उठाएंगे बॉम्बे में ये काफ़ी कॉमन है लोग बीचिस पे जाते हैं जॉग करने तो बीचिस पे जो प्लास्टिक होता है उसको उठाते हैं उसके बाद यूनेप ने पिछले साल दो की बात है जब यूनेप ने वर्ल्ड एन्वायरमेंट डे जो कि पाँच जून को मनाया जाता है इसकी थीम रखी थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ठीक है और इस साल 2019 में इसकी थीम रखी गई थी बीट एयर पोल्यूशन। उसके बाद G20 ट्वेंटी फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक लिटर, ठीक है तो जो आपका समुद्री इलाकों में समुद्र के पास जो आपका प्लास्टिक बेसिकली कचरा होता है उसको उठाने के लिए भी यहाँ पर G20 ट्वेंटी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क लाया गया था जो कि अगेन इसी चीज़ पे वर्क करता है उसके बाद यू एन ने लॉन्च की थी क्लीन सीज कैंपेन टू एलिमिनेट मेजर सोर्सेज ऑफ मरीन लिटर माइक्रो प्लास्टिक इन कॉस्मेटिक्स एंड द एक्सेसिव वेस्टफुल यूजेज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स और फाइनली होनोलुलू स्ट्रैटेजी होनोलुलू हवाई का एक शहर है हवाई जो है आइलैंड है यू के पास में लोकेटेड है हवाई के शहर में यहाँ पर एक रणनीति तय की गई थी होनोलुलू स्ट्रैटजी इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल कोलाबरेटिव एफर्ट टू रिड्यूस दोलॉजिकल ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मरीन डेबरी समुद्री जो आपका मलबा है ठीक है उसको कम करने का उसको उसका जो प्रभाव है कम करने का एक यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेमवर्क पेश किया गया था तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स या फिर ओवरऑल प्लास्टिक्स के लिए भारत की सरकार ने और वैश्विक स्तर पर लिए गए हैं मैंने दोनों को यहाँ पर एक साथ ही इंक्लूड कर दिया है फाइनली मैं बात करना चाहता हूँ माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स को हम माइक्रो बीड्स भी कह सकते हैं दीज आर प्लास्टिक पीसेज और फाइबर विच इज़ वेरी स्मॉल जनरली मेजरिंग लेस देन वन एम एम ठीक है तो वन एम एम से कम है तो फिर उसको माइक्रो प्लास्टिक कह जाता है दे एंटर वाटर बॉडीज दे एक्यूमुलेट एज एक्ट एज कैरियर फॉर अदर पोल्यूटेंट्स ठीक है ये वाटर बॉडीज में एंटर कर जाते हैं और ये कार्सिनोजेनिक है यानी कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट भी बन सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन अवराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्राम कॉस्मेटिक्स टू सिंथेटिक्स क्लोदिंग टू प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर यू पी एस सी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है तो इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस थोड़े कम हैं लेकिन हाँ सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर अब सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है प्लास्टिक क्रस्ट के नाम से प्लास्टिक क्रस्ट क्या है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है प्लास्टिक क्रस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने देखा है यहाँ पर कि समुद्र के किनारे उनको ऐसे पत्थर देखने को मिले हैं जो कि प्लास्टिक से ही बने हुए हैं यानी कि वहां पर प्लास्टिक एक्यूमुलेट होते होते इस तरीके से जमा हो चुका है कि जो पत्थर पाए जा रहे हैं उनके ऊपर एक थिन कोटिंग ऑफ प्लास्टिक है ठीक है वो उसी के अंदर जो है जम चुका है इट इज बींग प्लास्टिक क्रस्ट तो

नेक्स्ट देखते हैं ई वेस्ट की बात करते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड बॉम्बे मुंबई भोपाल चेन्नई मथुरा सही जवाब है भोपाल यहाँ पर हम एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिलकर इस ई वेस्ट क्लिनिक को इन्होंने शुरू किया है ठीक है तो भोपाल म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन और सी ने एक समझौता यहाँ पर साइन किया है टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इन भोपाल मध्य प्रदेश इसमें होगा क्या सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बोथ हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट्स यानी कि पहले तो हम वेस्ट को उठाएंगे उसे सेग्रीगेट करेंगे अलग अलग करेंगे विभाजन करेंगे उसका फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसका डिस्पोजल करेंगे ठीक है शुरुआती तौर में ये एक थ्री मंथ पायलट प्रोजेक्ट है ठीक है तो ये बेसिकली एक ट्रायल है अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये पूरे देश में दोहराया जाएगा यानी कि जगह जगह पे ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो स्थापित किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इसको डोर टू डोर जाके कलेक्ट किया जाएगा और कुड बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली एट द क्लिनिक इन एक्सचेंज फॉर अ फी ऑल राइट यहाँ पर ये जानना इंपॉर्टेंट है सीपीसीबी के बारे में द सी पी सी बी विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एट द यूनिट द क्लिनिक इज बींग कंसीव्ड इन कम्प्लायंस विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स देखिए ध्यान देने वाली बात है कि वैसे तो ई वेस्ट क्लिनिक है लेकिन इसकी जो मतलब कंसेप्शन हुई है वो एक तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत की गई है तो ऐसा सवाल आने के बहुत बहुत चांसेस हैं बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं ठीक है यहाँ पर सी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेके काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हैं सी जो है इसकी स्थापना की गई थी अंडर दी वाटर एक्ट इसकी जो शक्तियाँ हैं वो इसको दी गई थी अंडर द एयर एक्ट ठीक है और इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज जो ये देता है वो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देता है तीनों चीज़ें अलग अलग हैं याद हो जाएंगी आपको बार बार अगर आप पढ़ेंगे स्थापना वाटर एक्ट के तहत हुई है शक्तियाँ इसको एयर एक्ट के तहत दी गई हैं और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये इन्वायरमेंट एक्ट के तहत तो ये इंपॉर्टेंट है सी के ऊपर क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है स्पेशली एस या बैंक पी के एग्जाम में नेक्स्ट बात करते हैं एक नया टॉपिक है ग्रीन क्रैकर्स का ग्रीन क्रैकर्स क्या है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो हमारी लीडिंग साइंटिफिक बॉडी है इसने डेवलप किया है ग्रीन क्रैकर्स को ठीक है ग्रीन क्रैकर्स जो क्या है ये बेसिकली क्रैकर्स के लिए ही एक वैकल्पिक क्रैकर्स बनाए गए हैं जो कि आवाज़ बहुत कम करते हैं और प्रदूषण भी बहुत कम करते हैं इनको उनसे अलग करने के लिए एक ग्रीन लोगो भी तैयार किया गया है और एक क्यू कोड भी दिया गया है जो कि ये बताता है कि ये ग्रीन क्रैकर है ये नॉर्मल क्रैकर नहीं है ठीक है टू तो सेपरेट दैम फ्रॉम दी कन्वेंशनल क्रैकर्स इनके फायदे क्या क्या हैं सबसे पहले तो ये कम खतरनाक हैं ठीक है कम हार्मफुल हैं दोनों के लिए ही ह्यूमन हेल्थ के लिए एनवायरमेंट के लिए दे आर द क्रैकर्स विद रिड्यूस्ड एमिशन एंड डेसिबल लेवल यानी कि ये उतना शोर भी नहीं करेंगे और उतनी उत्सर्जन भी नहीं करेंगे दे आर नोन एज ग्रीन फायर क्रैकर्स बिकॉज दे हैव अ केमिकल फॉर्मुलेशन दैट प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल्स विच सबस्टांशियली रिड्यूस एमिशन लेवल्स एंड अब्जॉर्ब्स द डस्ट ठीक है इट प्रोमो प्रोमिसज द रिडक्शन इन पर्टिकुलर मैटर एंड हार्मफुल गैसेज सच एज नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड बाई थर्टी थर्टी फाइव परसेंट तो पी एम को भी कम करता है और कुछ और ख़तरनाक गैसेज को भी कम करता है और ये सबसे इनकी अच्छी बात यह है कि इनका उत्पादन भी सस्ता है एज कम्पेयर टू दूसरे क्रैकर्स यानी कि यदि इसको कमर्शियल प्लेयर्स उगाना चाहते हैं तो वो भी वो भी इसको जो है डेवलप कर सकते हैं बिकॉज इसको बनाना काफ़ी सस्ता पड़ता है सो so, ये जो है ग्रीन क्रैकर्स की खास बात है सवाल कैसे आएगा कि इसको किसने बनाया है ठीक है और यहां पर इंपॉर्टेंट है पेसो के बारे में जानना पेसो क्या है पेसो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है वाणिज्य और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर काम कर सॉरी वाणिज्य और औद्योगिकी उद, मंत्रालय के अंडर काम करती है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ठीक है जो कि रेगुलेट करती है किसी भी तरह के फायर क्रैकर्स को जो कि भारत में बनाए जाते हैं इसके बाद ताज ट्रिपीजियम जोन यह भी समाचार में था इस साल ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसके ऊपर जो एक प्रतिबंध लगाया हुआ था फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द ताज ट्रिपीजियम जोन इसको सुप्रीम कोर्ट ने अब हटा दिया है यह जोन क्या है इट इज अ डिफाइंड एरिया ऑफ इतना स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द ताजमहल टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट फ्रॉम पोल्यूशन ये इको सेंसिटिव एरिया था हैविंग थ्री वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेमली ताजमहल आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी ये ऐसा नहीं कि केवल आगरा में ही है ठीक है ये आगरा फिरोजाबाद मथुरा हाथरस और ईटा यूपी के इन सभी जिलों में और राजस्थान के भारतपुर के ज़िले में भी ये फैला हुआ है बहुत बड़ा ट्रिपीजियम जोन था ये ठीक है इसके ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने अब लिफ्ट कर दिया है तो ये न्यूज़ में था इसलिए इंपॉर्टेंट था सवाल इसमें आने के चांसेस यही इसी पॉइंट से बनते हैं ठीक है और इस पॉइंट से भी बन सकते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज जो कि इस साल इंपॉर्टेंट है इंडिया लार्जेस्ट इम इमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड ठीक है इंडिया जो है वो सबसे बड़ा इमिटर जो है साबित किया गया है सल्फर डाइऑक्साइड का ये रिपोर्ट पेश की गई थी एक एन है ग्रीन पीस के नाम से काफी बड़ी एन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एन है ये इन्होंने डेटा रिलीज किया था इंडिया इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानवीय गतिविधियों से होने वाला जो भी काम है उसमें सबसे ज़्यादा आगे भारत है इन द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल एंड इट इज़ नोन टू लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन ठीक है इसके जो हॉटस्पॉट्स हैं यानी कि कहाँ कहाँ पे मेनली सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है उसको मैपिंग की गई है इंडिया हैज़ ओवर 15% ऑफ ऑल दी हॉटस्पॉट्स इन दी वर्ल्ड यहाँ से सवाल आने के बहुत चांसेस हैं हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ पे हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश कोरबा छत्तीसगढ़ तालचेर झारसुगुड़ा उड़ीसा नई वेली चेन्नई तमिलनाडु में कच्छ गुजरात में रामागुंदम तेलंगाना में चंद्रापुर एंड कराड़ी महाराष्ट्र में ठीक है तो ये मैप बेस्ड लोकेशन हैं इनके ऊपर से सवाल आ सकता है दुनिया का जो लार्जेस्ट एसओ टू एमेशन हॉटस्पॉट है वो रशिया में है ठीक है तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा एमिशन हॉटस्पॉट देखना है तो रशिया में है लेकिन ओवरऑल दुनिया में सबसे ज़्यादा एमिशन करने वाला राष्ट्र कौन सा है तो वो भारत है ये रिपोर्ट किसने दी थी ग्रीन पीस ने ठीक है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं मैंने पिछली वीडियो में सेम चीज कही थी पिछली वीडियो भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भरी हुई थी लेकिन दो तीन बार अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो सकते हैं कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क मैं नहीं मानता इसको इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ अगली वीडियो में हम एनवायरमेंट के कुछ और टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड स्टेट्यून